हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंक कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं पेन टूल से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ। फोटोशॉप में अगर कोई भी सबसे इम्पोर्टेंट टूल है तो वो है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल से हम फोटो में जो भी क्रिएटिविटी है या अच्छे अच्छे शेप वगैरह जो है, उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव हम इसी टूल के द्वारा यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टूल के अंदर आपको देखिए 5 ऑप्शन मिलेंगे, पेन टूल, फ्री फ्रॉम पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है, ये 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और इसी 5 ऑप्शन के द्वारा मैं आपको काम करके यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेन टूल का यूज कर सकते हैं और कौन कौन से काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो काम करके बताऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेन टूल को चलाना। ठीक है, पेन टूल को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो उस चीज के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से सीख जाइएगा। ठीक है, उसके लिए आपको पेन टूल पे प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए मैं आपको पेन टूल के बारे में डिटेल से बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई इमेज ले लेना है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर हम इमेज ले लिए हैं, इस पे हम प्रैक्टिस करके बताएंगे, मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसे रिमूव करके हम दिखाएंगे पेन टूल से अच्छी तरीके से। और बैकग्राउंड रिमूव करने का मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका मैजिक वन टूल है, इसमें भी मैंने बताया कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इरेज टूल है, इरेज टूल के द्वारा आप बैकग्राउंड को कैसे इरेज कर सकते हैं। ये दो वीडियो में मैंने अच्छे से जिक्र किया है इसके बारे में और डिटेल से बताया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू पेज लेते हैं, जहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे कि पेन टूल कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ से एक पेज ले लेंगे। ठीक है, और इसे फुल स्क्रीन कर देंगे, ये प्रेस किए फुल स्क्रीन। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि न्यू अपडेटेड वीडियो जब भी आए वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, स्क्रीन पे उसका आईडी दिख रहा होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करना है। पेन टूल जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर देखिए इसका प्रॉपर्टीज ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा, जिसमें एक ऑप्शन है शेप लेयर और दूसरा है पाथ सिलेक्शन। ठीक है, ये पाथ लेयर है और ये शेप लेयर है, तो ये दो ऑप्शन इसमें ओपन होते हैं। और इसमें भी अगर आप शेप को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ज्यादा ऑप्शन ओपन नहीं होता, एक कलर होता है, एक स्टाइल होता है और बाकी ये सब शेप आपको तो ये तो इसमें भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल में अगर आप यहाँ पर देखिए पाथ लेयर जो है या पाथ सिलेक्शन है इसे आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे। ठीक है, एक यहाँ पर है पहला एड टू पाथ एरिया, उसके बाद सबस्ट्रेक्ट फ्रॉम पाथ एरिया, उसके बाद इंटरसेक्ट पाथ एरियाज और फोर्थ है ओवरलैपिंग पाथ एरिया। पहले ये चारों के बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, तो जैसे पेन टूल है, पेन टूल का सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ऐसे क्लिक करके करें तो ये स्ट्रेट लाइन में ये सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए, कंट्रोल प्रेस करके और इंटर प्रेस कीजिएगा तो इस तरीके से ये सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसे कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे। ये तो एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका है यहाँ पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से कर्व में यहाँ पर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो हैंडल यहाँ पर देखिए, दो हैंडल है, इस हैंडल को अगर राइट साइड की ओर लेके जाएंगे तो कर्व जो है वो लेफ्ट साइड की ओर होगा, अगर इसे लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे तो कर्व जो है वो राइट साइड की ओर जाएगा, और जितना नीचे हम इसे खींचेंगे वो ऊपर कर्व होगा। देखिए, जितना नीचे खींचेंगे उतना ऊपर कर्व होगा और जितना ऊपर खींचेंगे वो नीचे की ओर कर्व होगा, तो ये चीज आप समझ लें। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके इसे इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं सिलेक्शन करने में, उसके बाद कंट्रोल इंटर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। अब यहाँ ऊपर जो 4 ऑप्शन है इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिलेक्शन इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन बना लिए और उसके बाद हमें जाना है ये फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाले पे जाएंगे। अगर इसमें और कहीं पे जोड़ना है, यहाँ से हम इस तरीके से जोड़ना चाहते हैं सिलेक्शन, तो यहाँ से भी इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद कंट्रोल इंटर करेंगे तो वो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। कंट्रोल इंटर, देखिए ये जुट गया। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। इसे कंट्रोल डी करते हैं, डी सेलेक्ट, और उसके बाद देखिए दूसरा है। अब उसके बाद फिर से हम यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं और फिर से दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है सबस्ट्रेक वाला, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इस पे फिर से हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस एरिया को ये रिमूव कर देगा, जहां तक ये सेकंड वाले सिलेक्शन हुआ है उस एरिया को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यहाँ पर कंट्रोल इंटर करते हैं तो देखिए क्या हुआ, वो उस एरिया को यहाँ पर सबस्ट्रेक कर दिया, ये चीज समझ गए। कंट्रोल डी करते हैं, अब फिर से सिलेक्शन करते हैं इसका, इस तरीके से हम सिलेक्शन कर लिए और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ये वाला। ठीक है, इंटरसेक्ट पाथ एरिया से इसे सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो बीच का एरिया है, यहाँ पर जो बीच का एरिया है वो रह जाएगा और जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड का है वो यहाँ से हट जाएगा, ये सिर्फ बीच का एरिया रह जाएगा। तो यहाँ कंट्रोल इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर बीच का एरिया रह गया और बाकी दोनों साइड का हट गया। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। और उसके बाद लास्ट वाला है, उसे भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसके बाद फोर्थ वाला सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सिलेक्शन ही होगा, नीचे वाला भी सिलेक्शन होगा
और ये ऊपर वाला भी सिलेक्शन हो जाए, सारे सारे यहाँ पर सिलेक्शन आपको अच्छे से दिखेंगे जो ओवरलैप रहेंगे। तो यहाँ पर इंटर और कंट्रोल हम प्रेस करते हैं तो देखिए दोनों के दोनों सिलेक्शन यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। तो ये चारों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये पाथ के बारे में समझ गए, अब यहाँ पर हम शेप लेयर में आते हैं, शेप लेयर में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कलर वगैरह चेंज करने का है, तो कलर वगैरह भी यहाँ से आप चेंज करके यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक है तो ब्लैक ही यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए शेप में कन्वर्ट होगा। पहले क्या होता था, वो पाथ में होता था, क्योंकि हम यहाँ से पाथ को हम सिलेक्ट करके रखे थे, अभी शेप को सिलेक्ट करके रखे हैं तो ये शेप में कन्वर्ट हो गया हमारा सिलेक्शन। और ये जो अभी कन्वर्ट होता है शेप, ये एक अलग लेयर में होता है। देखिए लेयर में आइए, लेयर में यहाँ ऊपर में एक अलग लेयर बन गया, इसे हम कहीं भी इस तरीके से पकड़ के लगा सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ गए। और इस पेन टूल के द्वारा आप अलग अलग शेप बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए उसके बाद इस तरीके से आप किसी भी तरीके का यहाँ पे शेप बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे पकड़ के कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये सब काम हमें कहाँ पे करना है, जब हमें बैनर डिजाइनिंग वगैरह करना है या YouTube से रिलेटेड जो थंबनेल वगैरह होता है वो सब बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अलग तरीके का यहाँ पर डिजाइन या शेप बना सकते हैं हम इस पेन टूल के द्वारा, ठीक है। तो इसे यहाँ से हम बंद करते हैं ताकि ये शो होना बंद हो जाए। और भी तरीका है इसका, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं यहाँ से इस तरीके का एक रूलर, ठीक है। अब रूलर पर करते हैं, यहाँ पर पेन टूल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे क्लिक करके इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद अल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो आगे का हैंडल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये रिमूव हो जाएगा और उसके बाद ये इस तरीके से इधर हम करके और इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का शेप बन जाएगा। तो आप अपने दिमाग का यूज करके आप किसी भी प्रकार का शेप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। और जब सिलेक्शन करते हैं, जैसे सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये हैंडल दो बनता है, इस हैंडल को आप पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे ड्रॉ कीजिएगा तो हैंडल से रिलेटेड ये इधर कर्व हो जाएगा, तो इसीलिए हम उस हैंडल को वहां से डिलीट किए थे, ठीक है, ये चीज समझ गए आप। अब ये सबको बंद करते हैं और उसके बाद ये जो हमारा रूलर है इसे हम कंट्रोल एस से हटा देते हैं और एक दो कुछ इमेज यहाँ पर लेके उसे सिलेक्शन करके हम देखते हैं कि पेन टूल के द्वारा हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेज ओपन करते हैं कोई सा जिसमें हम सिलेक्शन करके आपको दिखा सके, ठीक है। इसमें आते हैं और इसमें ये वाला बटरफ्लाई है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसे ले आते हैं, इसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्लू और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल टी और इसे हम छोटा कर लेंगे और इंटर, ठीक है। अब पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वो शेप में फिर सिलेक्शन होने लगेगा। अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसमें हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे और इस तरीके से इसे ट्रैक करेंगे, ठीक है। अगर कुछ कमी हो जाएगा तो बाद में भी इसे सुधार सकते हैं। इसके बाद फिर से हम यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरीके से अंदर की ओर इसे ट्रैक करेंगे तो वहाँ पर वो कर्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कर्व है, यहाँ पर कर्व है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इधर खींचेंगे, राइट साइड की ओर खींचेंगे तो ये देखिए कर्व बाहर की ओर चला जाएगा, लेफ्ट साइड की ओर। उसके बाद अल्ट प्रेस करके इसका हैंडल यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से, उसके बाद इधर भी कर्व है थोड़ा सा तो यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कर्व है तो वो चीज़ को आप ध्यान रखें कि कैसे करना है। यहाँ पे है तो यहाँ पे क्लिक करके राइट साइड की ओर ड्रैग करेंगे तो वहाँ पर कर्व बन जाएगा, फिर अल्ट प्रेस करके इसका हैंडल हटा देंगे। अब अंदर की ओर यहाँ पर थोड़ा सा कर्व है तो यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और इसे लेफ्ट साइड की ओर खींचेंगे तो अंदर की ओर वो कर्व हो जाएगा। ये चीज़ आप छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर भी कर्व करना है तो इधर भी इस तरीके से हम कर्व कर लें, यहाँ पर भी कर्व है तो इसे हम क्लिक करके और लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी कर्व हो जाएगा। उसके बाद अल्ट प्रेस करके फिर इसे सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरीके से आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, मैं पूरा सिलेक्शन जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सिलेक्शन हो गया है तो हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल इंटर करते हैं तो ये देखिए एरिया जो है हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो इमेज है इसे हम यहाँ से बंद करते हैं और उसके बाद एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद अब इसमें हम कलर फिल करेंगे, तो यहाँ पर जो भी फोरग्राउंड में कलर है यहाँ ऊपर में कोई सा भी आप कलर ले लीजिएगा और उसके बाद आपको अल्ट और बैकस्पेस कीजिएगा तो वो सिलेक्शन जो है उसके अंदर वो फिल हो जाएगा कलर, अल्ट और बैकस्पेस। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें फिल हो गया कलर, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट किए और देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से भी आप सिलेक्शन करके आप काम कर सकते हैं और अभी इस इमेज को कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक न्यू लेयर पर इस कलर को हम फिल किए हैं तो न्यू लेयर एक अलग लेयर में कन्वर्ट हो गया, मतलब शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको इसके अंदर आपको
और ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, फ्री फ्रॉम पेन टूल है, एंकर और डिलीट, और ये सबको भी एक करके हम समझा देते हैं आपको कि करना क्या है। तो इसे हम पहले से थोड़ा साइड करते हैं, उसके बाद देखिए फ्री फ्रॉम में जैसे पेन टूल का हम सिलेक्शन करते थे, फ्री फ्रॉम का क्या करना है, एक बार यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरीके से ड्रैग करना है जितना एरिया को हमें सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट में आके जहाँ से हम शुरू किए थे वहाँ पर जाइएगा तो इस तरीके का सर्कल बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे फ्री फ्रॉम किसी भी तरीके से आप रोटेट करके इसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इसे इस तरीके से भी ऐसे ऐसे करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं, देखिए उसके बाद इंटर तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गया। अब तीसरा यहाँ पर है एड एंकर पॉइंट, इसका यूज कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पेन टूल सिलेक्ट करते हैं, पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद कुछ शेप यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो देखिए इसमें पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, कहीं पे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल का यूज करेंगे, यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे और कहीं एक जगह पर इसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जहां पर हम क्लिक करेंगे वहां पर एक पॉइंटर भी आ जाएगा, तो जैसे हम क्लिक किया तो वहां पर एक पॉइंटर भी बन गया। अब देखिए जितने भी यहाँ पर पॉइंट हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो हम ऐड एंकर टूल के द्वारा हम इसे पकड़ के इस तरीके से कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज इसमें खासियत है। उसके बाद दूसरा खासियत क्या है कि हम कहीं पे भी पॉइंट एक अलग लगा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट ऐसे लगा के उसके बाद इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, देखिए समझ जाइए इस तरीके से ये कर्व में कन्वर्ट होगा। अगर आप क्लिक करके माउस को छोड़ देते हैं उसके बाद उस पॉइंट को पकड़ के आप इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से होगा। तो आपको किस तरीके से करना है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, तो ये समझ गया। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर डिलीट एंकर पॉइंट, तो इससे क्या होगा जिस एंकर को हमें डिलीट करना, मान लीजिए ये वाला ज्यादा हो गया तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, देख लीजिए जिस भी पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और वो डिलीट हो जाएगा जिस भी पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से। और भी देखिए यहाँ पर एड एंकर का और एक तरीका है कि आपको अगर बहुत सारे इधर का इतना एरिया आपको सिलेक्ट करके इधर ऊपर की ओर मूव करना है तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और सबको सिलेक्शन कर लेना है। देखिए सिलेक्शन होने के बाद वो जो पॉइंट है वो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और इस तरीके से जो जो सिलेक्शन हो चुका है वो सारे के सारे पॉइंट एक साथ ऊपर चले जाएंगे या जिधर आप करना चाहते हैं उधर चले जाएंगे, ठीक है, ये चीज आप ये समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेगा कन्वर्ट पॉइंट, ठीक है। कन्वर्ट पॉइंट में क्या होगा, किसी भी पॉइंट को आप पकड़ के कीजिएगा तो वो थोड़ा सा इस तरीके से काम होगा, ठीक है, पॉइंट के बीच में ही वो कन्वर्ट होगा, इसमें और कोई खासियत नहीं। अगर इस पॉइंट को पकड़ते हैं तो इस तरीके से वो कर्व करेगा, ठीक है, इस तरीके से किसी पॉइंट को आप पकड़िएगा तो पॉइंट में कुछ नहीं अंतर होगा, वो पॉइंट वहीं के वहीं रहेगा, सिर्फ उसके कर्व में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर बीच में करेंगे तो बीच में भी आप क्या कीजिएगा, उस पॉइंट के बीच के कर्व को ही आप अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट वहीं के वहीं रहेगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, पेन टूल और एड एंकर और डिलीट एंकर, बस यही तीनों का ज्यादा यूज होता है इस पेन टूल में। तो इतना चीज आप समझ गए कि किस तरीके से हम पेन टूल का यूज करते हैं। तो आगे हम सीखते हैं कि पेन टूल के द्वारा हम किसी इमेज के बैकग्राउंड को किस तरीके से हम रिमूव करते हैं और किस तरीके से सिलेक्शन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद उसे रिमूव कैसे करते हैं, ये सब डिटेल से हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसे फुल स्क्रीन से हटा देंगे और इसे डिलीट कर देंगे, इसका कुछ काम है नहीं, सिर्फ इस इमेज का काम है, तो इसे फुल स्क्रीन कर लेंगे और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद यहाँ पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इमेज को थोड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा करके अगर आप काम कीजिएगा तो आप अच्छे तरीके से उस पर काम कर सकते हैं और बारीकी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज को हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन आपको कैसे करना है, अगर आप न्यू हैं तो आप पेन टूल यूज कीजिएगा और आपको इस तरीके से गैप कर करके सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, गैप कर करके सिर्फ नॉर्मल सिलेक्शन कर लेना है, उसके बाद आपको इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप अगर अभी लैपटॉप पर हैं या कंप्यूटर पर हैं तो आप पहले सबसे पहले इस तरीके से सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद इसमें कुछ त्रुटि होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो मैं इसका सिलेक्शन करके आपसे मिलता हूं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम सिलेक्शन कर चुके हैं, इसे थोड़ा सा हम जूम करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन कर चुके हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट लेंगे और जहाँ जहाँ पे हमें अगर पॉइंट डालना है, मान लीजिए यहाँ पर नीचे आ गया तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और इसे पकड़ के थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे, ठीक है। और कहीं पर भी दिक्कत हो रहा होगा कि सिलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ, उसे यहाँ से कर लेंगे। इधर देखिए हेयर कट रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप उसे कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर भी एक पॉइंट डाल देंगे और इस तरीके से आप कर लीजिएगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फेस कट रहा है, यहाँ पर पॉइंट डालेंगे और इस तरीके से इसे कर लेंगे। और ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा अंदर की ओर है तो इसे हम थोड़ा सा फेस के साइड में ले आएंगे,
इस पॉइंट को भी है, इस पॉइंट को पकड़ के भी फेस के साइड में ले आएंगे और यहाँ पर बीच एक एंकर पॉइंट देंगे और इसे इस तरीके से कर देंगे। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसे भी एडजस्ट कर लेंगे, अगर और जूम करके दिखना चाहते हैं तो हम और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पर एक एंकर पॉइंट लेंगे और थोड़ा सा नीचे की ओर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट रहा है, तो इसे भी हम एंकर पॉइंट लेंगे, थोड़ा सा बाहर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ रहा है, हैंडल को पकड़ेंगे, इधर थोड़ा सा अंदर कर देंगे, उधर बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझिए। उसके बाद यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ हैंड पे थोड़ा सा है, तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे और इसे बाहर की ओर थोड़ा सा इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक एड पॉइंट लेंगे और इसे इस तरीके से हम सिलेक्शन कर लेंगे और इसे थोड़ा सा आगे ले आएंगे और इस हैंडल को पकड़ के आप यूज कर लीजिएगा। और यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा एंकर पॉइंट लेके एक और इसे इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है तो इसे इस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लीजिएगा जहां जहां पे कट रहा होगा। इधर देखिए इधर इधर भी कट रहा है, तो इसे हम जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर अच्छे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसे क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट डालेंगे क्लिक करके और इसे ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तो ये देखिए इस तरीके से सिलेक्शन हो जाए। यहां पर एक पॉइंट डालेंगे और इसे इस तरीके से लेके जाएंगे बाहर की ओर, ठीक है। और यहाँ पर गैप हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हैंडल हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा अंदर करेंगे, तो यहाँ पर ये अंदर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ गए। इधर है, इधर भी हम पकड़ के थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ गए कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नया है तो इस तरीके से आप कीजिएगा, अगर पुराना है तो आप जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे हम बताए थे उसमें बटरफ्लाई वाले में जैसे बताए थे, आप उस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है इस पे, तो नहीं तो आप नए हैं तो आप आराम से हल्का हल्का सिलेक्शन करें, ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन हो गया, अब क्या करेंगे, इसे कंट्रोल इंटर करेंगे, कंट्रोल इंटर और ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अगर कुछ भी अभी करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप कुछ भी अगर इमेज पे करना चाहते हैं सबसे पहले इसका कॉपी कर लीजिए, ताकि इमेज में कुछ गड़बड़ी हो तो बाद में हम मेन जो इमेज होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपी कर लिए, उसके बाद अगर नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि ऐसा सिलेक्शन करके और क्या करते हैं डिलीट प्रेस करते हैं, तो वो बैकग्राउंड डिलीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिए सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन जो हमारा इमेज है, अगर डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा इमेज डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट प्रेस किए और नीचे का जो यहाँ पर है बैकग्राउंड, इसे हम ऑफ करते हैं। देखिए हमारा जो पिक्चर है सिलेक्शन था वो यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए क्या कीजिएगा, आपको अगर ऐसे नॉर्मल डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई कीजिएगा तो देखिए बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। अब डिलीट प्रेस कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ गए। ये तो शॉर्टकट हम बताए थे। और यहाँ पर ऊपर में जाइएगा, देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक इन्वर्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इन्वर्स कीजिएगा तो यहाँ पर इमेज सिलेक्शन हो गया, और जैसे इस पर फिर जाके इन्वर्स कीजिएगा तो बैकग्राउंड सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड सिलेक्शन करना है, और अब कैसे रिमूव करना है मैं एक नया तरीका बताता हूँ, मास्किंग करना है, ठीक है। मास्किंग के बारे में अगर आप अच्छे से नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में तो मैं बताऊंगा, और पहले के वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। जब ये इरेजर टूल का यूज करता हूँ, इरेजर टूल के बारे में जब मैं आपको बताता हूँ, उस पर वीडियो बना के हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसे जाकर देखें, इसमें आपको समझ आ जाएगा मास्किंग का यूज कैसे करते हैं। और जब हम ये ब्रश टूल के बारे में बता रहे थे तो उस वीडियो में भी मास्किंग का जिक्र किया हूं और अच्छे तरीके से बताया हूं कि कैसे मास्किंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब समझ गए आप। तो फिलहाल हम यहाँ पेन टूल पे रहते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं इसमें कैसे हमें मास्किंग करना है। तो ये हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है, तो हमें क्या करना है, इमेज सेलेक्शन करना है, ठीक है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो इमेज सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ से लेयर पैनल है, इसके नीचे आपको ऐड लेयर मास्क का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐड लेयर मास्क, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मास्किंग हो जाएगा। यहाँ पर लेयर में देखिए यहाँ पर एक मास्क आ गया जिसमें साइड साइड ब्लैक है और यहाँ पर व्हाइट है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस एरिया में हम ब्लैक ड्रॉ किए हैं, इसलिए हमारा जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ से ब्रश सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। जो चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो ब्रश टूल के बारे में जब हम वीडियो अपलोड किए हैं उसको बनाकर, तो उसमें भी मैं इस चीज को जिक्र किया हूँ। तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर वॉच करें ताकि ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक सिलेक्शन है। मास्क में देखिए ये साइड साइड ब्लैक, ठीक है। तो जब भी हम ब्लैक यहाँ पर फोरग्राउंड लेके उसके बाद ब्रश चलाएंगे तो क्या होगा, वो रिमूव होगा, देखिए इस तरीके से, समझ में आ रहा है, वो रिमूव होगा। इसे कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और वाइट करेंगे, वाइट को सिलेक्शन करके करेंगे तो वो चीज दोबारा आएगा। जैसे बैकग्राउंड हमारा सेलेक्ट हो गया तो बैकग्राउंड पर चलाते हैं तो बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, समझ रहे हैं। तो इसका काम कैसे होता है, मास्किंग करने का मेन तरीका क्या होता है कि मास्किंग क्यों करें, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं मास्किंग क्यों करें। देखिए इस इमेज को सबसे पहले हम जूम करते हैं, और कहीं भी दिक्कत होगा, कहीं पे हमें लग रहा है कि ज्यादा रिमूव हो गया है या ज्यादा
रह गया यहाँ पर, देखिए ज्यादा रिमूव जैसा लग रहा है, तो इसे हम मेंटेन करने के लिए कर लेंगे मास्किंग के द्वारा, ठीक है। अगर कहीं पे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश को छोटा करते हैं, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा रिमूव हो गया, तो उसको वापस लाने क्या करेंगे, व्हाइट सिलेक्शन रखेंगे, और इमेज को वापस लाना ना, तो इमेज के एरिया पर रहेंगे, इमेज के एरिया पर रहेंगे और थोड़ा सा इसे इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसको रिमूव करना तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में एक्स प्रेस करना है, ठीक है, एक्स बटन को प्रेस करना है। एक्स प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा, एक्स प्रेस किए व्हाइट ऊपर, एक्स प्रेस किए ब्लैक ऊपर, एक्स प्रेस व्हाइट, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं, उसके बाद इसे रिमूव करेंगे तो ये रिमूव होगा, देख लीजिए इस तरीके से। तो इस ब्रश का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कहीं पर अगर रह गया है तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं, हैंड के साइड साइड थोड़ा सा ही रह गया तो यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं, और सॉफ्ट ब्रश भी ले सकते हैं, ये हार्ड ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको मास्किंग के बारे में समझ में आ गया हो कि मास्किंग हम करते क्यों हैं। अगर हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, वापस हम उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन मास्किंग करके अगर रखेंगे तो हम उसमें बाद में उस इमेज में कुछ चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, जहां पर रिमूव करना वहां रिमूव कर सकते हैं, जहां वापस लाना है वहां वापस ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जूम आउट करते हैं, उसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, कलर वगैरह बैकग्राउंड के पीछे लगाना है, तो आपको यहाँ से न्यू लेयर लेना है, न्यू लेयर को आप इमेज के नीचे ले आइए, और उसके बाद जो भी कलर आपको लेना है, ब्लू ग्रीन रेड कुछ भी लेना है, यहाँ से सिलेक्शन करके अल्ट बैक स्पेस, और इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड इसमें लग जाएगा। अगर कोई बैकग्राउंड इमेज है उसे लगाना है तो उसे लाके आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और उस इमेज को नीचे कर दीजिए, तो वो बैकग्राउंड पीछे लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए आप, तो आशा है कि आपको पेन टूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इस पेन टूल को यहाँ पे फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं। और जो पेन टूल है वो फोटोशॉप का एक बेहतरीन टूल है, इसके बनाए फोटोशॉप में क्रिएटिव काम करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। पेन टूल एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम एक ऐसा शेप बना सकते हैं जो शेप हमें फोटोशॉप में मिलता नहीं है बना बनाया, उसे हम अलग अलग तरीके से पेन टूल के द्वारा बना सकते हैं। अगर इस पेन टूल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट में बताएं कि कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ है, उस चीज के बारे में फिर से वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है, पीछे कर करके आप उसे देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो सके। तो आगे भी मैं फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।